नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर है नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया सिन्हा। खबरों के सफर में हम दोनों रहेंगे आपके साथ अगले एक घंटे। बिल्कुल, अगले एक घंटे में होंगी देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स, बात होगी सिने जगत की, साहित्य की, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी होंगी। साथ ही साथ कर्नाटक में जिस तरह से चुनाव प्रचार इस वक्त अपनी चरम सीमा पर है उस पर होगी, जानेंगे हमारे रिपोर्टर से क्या है खास, और भी होगा बहुत कुछ। तो देर कैसी शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज बेंगलुरु में घोषणा पत्र करेगी जारी। पार्टी नेता अमित शाह, जेपी नड्डा करेंगे रोड शो, अन्य दलों के नेताओं ने भी झोंकी ताकत। भाजपा जनता पार्टी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर देगी अनिश्चितकालीन धरना। पार्टी का केजरीवाल पर आधिकारिक आवास की मरम्मत पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का है आरोप। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी जारी। अब तक करीब 2300 लोग पहुंचे स्वदेश, सुरक्षित वतन वापसी के लिए सरकार के प्रति जताया आभार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर, अपने समकक्ष मारिया अहमद दीदी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच व्यापक रक्षा संबंधों पर होगा विचार विमर्श। खेल की खबरों में, आईपीएल के लीग मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से दी शिकस्त। आज खेले जाने वाले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगी भिड़ंत। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रचा इतिहास। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के पुरुष युगल का खिताब किया अपने नाम। फाइनल में मलेशिया के तेउ एयी और आंग यू सिन को हराया। पीएम मोदी ने दी बधाई। तो नया सवेरा में देख लेते हैं सबसे पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। और सबसे पहले बात कर्नाटक में चुनावी समर की, जो इस वक्त अपने चरम पर है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्री, भाजपा के स्टार नेता पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार पिछले कई दिनों से कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के बीच भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा समेत कई नेता मौजूद रह सकते हैं। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित जेडीएस का चुनाव प्रचार तेजी से जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तुमकुरु सहित शिवमोग्गा में रोड शो करने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु के चामराजनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पार्टी नेता राहुल गांधी आज तुमकुर, हासन और चामराजनगर में चुनावी रैलियां करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार बेंगलुरु के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जनता दल एस प्रमुख देवेगौड़ा आज चुनाव प्रचार के लिए मंगलुरु जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बेंगलुरु के दासर हल्ली निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो करने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को एक ही चरण में होगा, मतगणना 13 मई को। और धीरज हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, जिस तरह से चुनावी प्रचार इस वक्त हम देख रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी है, ताबड़तोड़ रैलियों का रेला जारी है, क्या कुछ, कितना उत्साह आपको दिख रहा है, कितना ज्यादा ये जो
चुनावी पारा है आपको चढ़ता नजर आ रहा है और आज क्या कुछ लाइनअप है? देखिए बिल्कुल दक्षिण का जो दंगल है उसमें जो चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे के हिसाब से जनता के बीच में जा रहे हैं और जहां तक आपने जो आम लोगों के बीच में जो बताया कि कैसा पारा है तो यहां का पारा काफ़ी चढ़ा हुआ है। कर्नाटका में काफ़ी गर्मी पड़ती है जैसा कि आप जानते हैं और उस गर्मी के बीच में चुनावी पारा भी काफ़ी चढ़ा हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री की धुआंधार रैलियाँ हमें देखने को मिल रही है कि हमने देखा कि 7 से 8 रैली यहाँ प्रधानमंत्री की हो चुकी है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री की भी रैली यहाँ पे हो रही है और कुल मिला के जो उत्साह जो है वो चरम पर है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी यहाँ आज कई चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी उनकी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभा यहाँ पे हो चुकी है। जेडीएस जो है वो जो क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस है वो भी चुनावी समर में पूरी ताकत के साथ इस बार चुनावी मैदान में जुटी हुई है और हर पार्टी को इस बार लगता है कि इस बार हमें जो कर्नाटक का जंग है वो जीतने की कोशिश करेंगे। जो चौथी पार्टी है आम आदमी पार्टी वो भी पहली बार कर्नाटक में चुनावी समर में 168 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने हिसाब से जनता के बीच में अपने वायदों के साथ और अपने दावों के साथ राज्य में कैसे विकास को आगे बढ़ाया जाए उस चुनावी मुद्दे के साथ जनता के धीरे जैसे भी उम्मीद है कि आज भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। और अगर मुद्दों की बात करें जिनके लिए लगातार तमाम पार्टियां जनता के बीच जा रही हैं, वो भ्रष्टाचार है, पलायन का मुद्दा है, साथ ही साथ विकास तो मुद्दा है ही, उस लिहाज से भाजपा के मैनिफेस्टो में बहुत कुछ हो सकता है आज। बिल्कुल आपने सही कहा, भाजपा के मैनिफेस्टो में आज भाजपा अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है और भाजपा के मैनिफेस्टो में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि जोड़ा जा सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने कई जनसभाओं में इस बात का जिक्र किया है कि कर्नाटक में अगर विकास की रफ्तार को और तेज बढ़ाना है तो यहाँ डबल इंजन की जो सरकार है डबल इंजन की सरकार को एक बार फिर मजबूती देनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र कई जनसभाओं में किया है और खास करके उन्होंने केंद्र सरकार की जो योजनाएँ हैं उस योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। जो यहाँ इस क्षेत्र अगर इस क्षेत्र की हम बात करें यहाँ जो गन्ना के जो किसान है गन्ना के किसानों का जिक्र किया कि कैसे गन्ना के जो पहले के समय में क्या होता था कि गन्ना के किसानों का जो बकाया राशि है वो काफी लंबे समय से नहीं मिल पाता था। गन्ना किसानों की उन्होंने बात की, उन्होंने युवाओं की बात की और सबसे बड़ी बात जो केंद्र सरकार की जो आवास योजना है उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि कर्नाटक में लगभग 7 लाख जो लोग हैं 7 लाख लोगों को उनके आवास का मकान मिला है। घर घर तक जो पानी पीने का जो आप समझ सकते हैं कि ये जो इलाका है वो गर्म इलाका है यहाँ पानी की समस्या बनी रहती है तो कैसे लोगों को घर घर तक पानी पहुँचाया जाए उसकी उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। महिला जो महिलाओं की जो आधी आबादी की उन्होंने बात की और उज्ज्वला योजना की बात करी कि महिलाएं कैसे परेशान होती थी, महिलाओं को जो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने शौचालय का भी जिक्र किया कि कैसे शौचालय ने और यहाँ खास करके अगर हम कर्नाटक लेकिन धीरज एक बात यहाँ पर यह भी देखनी होगी ना तरीके से यहाँ के लोगों ने 100 साल जी धीरज लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी देखनी होगी क्योंकि कई दशकों से ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर जो सरकार 5 साल पूरे करती है वो वापस सत्ता में नहीं आती। तो क्या इस बार भी ये नारा यहाँ भाजपा के लिए काम करेगा कि राज नहीं बदलेगा रिवाज बदलेगा? और दूसरी अहम बात यहाँ पर यह कि जेडीएस जिस तरह इस बार चुनाव लड़ रही है बिना किसी के साथ गठबंधन करे ये अपने आप में बहुत मुख्य कारक हो सकता है चुनावी उलटफेर को लेकर। बिल्कुल आपने सही कहा, अगर हम इस पूरी जानकारी को जानने के लिए साल 2018 के चुनाव में हमको जाना पड़ेगा। साल 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा मिला था। 224 विधानसभा सीटों में से 104 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, कांग्रेस जो कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। हालांकि जो कुमार स्वामी जो जेडीएस के मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के समर्थन से उनकी सरकार मात्र 14 महीने ही चल पाई। करप्शन का मुद्दा यहाँ जोरों जोर शोर से उठा था और उस करप्शन में उनकी सरकार गई। उसके बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सरकार बनाने का मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी ने करीब 4 साल तक यहाँ सरकार चलाई। जहां तक आपने रिवाज बदलने की बात की है कि हो सकता है कि यहां रिवाज बदले, इस कवायद को भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में तोड़ा है
ऐसा कहा जाता था कि जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में है वहां दोबारा जो दोबारा जीत नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि कैसे लोग कहते थे कि एक बार जिनकी सरकार बन गई दूसरी बार उनकी सरकार नहीं बनती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस रिवाज को तोड़ा। वैसे ही स्थिति कर्नाटक में दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के यहाँ धुआंधार रैलियाँ हो रही है और डबल इंजन सरकार के साथ वो कर्नाटक में विकास की बात कर रहे हैं जी। जो बड़ी बड़ी रैलियों में जो लोगों का जो उत्साह है वो देखने को दिखता है कि कैसे दूर दूर से लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात, खुशी महिलाओं के चेहरे पर हम साफ तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि उनके लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनके लिए संबल बनकर आई है, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे उज्ज्वला कनेक्शन की बात हो, चाहे वो शौचालय की बात हो जिसको कि वो इज्जत घर कहती है। तो इन योजनाओं ने न केवल कर्नाटक को विकास की रफ्तार दी है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि इस बार जबकि मतदाता 10 मई को मतदान करने के लिए जाएगा तो उसके दिमाग में ये बात जरूर होगा कि बीते 4 सालों में यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ बिल्कुल तो क्या कुछ बदलाव आया है ये जरूर उसके ध्यान में होगा। विकास के कार्य जी जी धीरज बिल्कुल, तो 10 मई यानी कि अब वोटिंग के लिए काफी कम समय बचा है, क्या कुछ तैयारियां हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से? वोट फॉर होम, वोट फ्रॉम होम, ये एक नई एक्सरसाइज है जिसकी शुरुआत हुई है, क्या है ये और किस तरह से तैयारियां यहाँ पे नजर आ रही है चुनाव आयोग की? देखिए चुनाव आयोग की अगर हम तैयार करें तो चुनाव आयोग ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को कैसे बेहतर तरीके से संपन्न हो और कैसे आम आदमी आसानी तरीके से अपने बूथों पर जाएं और मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लें, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, इसके लिए चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां की है। चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कहा गया है कि एक एक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करें, जो चुनाव आयोग जो अपने कैंपेन के भी जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, जो वोट फ्रॉम होम की जो आपने बात की है उसकी भी कवायद शुरू हुई है। और चुनाव आयोग की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कोई मतदाता छूट ना पाए और जो पिछले साल का जो चुनावी जो आंकड़ा है उस आंकड़े को इस बार कैसे पार किया जाए, इसकी तमाम कोशिशें चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। और इस बार जो जनता में जिस तरीके का उत्साह है, जिस तरीके का विश्वास है, उस विश्वास से ऐसा लगता है कि पिछले बार की तुलना में इस बार जो मतदान का जो प्रतिशत है वो अधिक होगा, क्योंकि हर जगह की सभाओं में हर जगह की ऐसा देखा जा रहा है कि काफी संख्या भारी संख्या में लोग बिल्कुल किसी भी राज्य में जब मतदान होता है धीरज तो कैसे मत प्रतिशत लगातार बढ़ता है वो आपके जनाधार को कितना मजबूत करता है ये देखने वाली बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और यहाँ पर बात करते हैं आम आदमी पार्टी की जिसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन पर खर्च हुए पैसों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आप पार्टी पर हमले कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देगी। भाजपा ने यह आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2020 और 22 के दौरान अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से सीएम केजरीवाल के आवास को लेकर सियासत गरमाई हुई है। और अब बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी को लेकर जिसके तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित जो स्वदेश वापसी है वो जारी है। इस अभियान के तहत अब तक 2300 भारतीयों को सुरक्षित देश वापस लाया जा चुका है। जद्दा से 186 भारतीयों को लेकर विमान कोची पहुंचा। विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 3000 भारतीय सूडान से बाहर आ गए हैं। पोर्ट सूडान से 122 भारतीयों को लेकर इंडियन एयरक्राफ्ट C-130J विमान जेद्दा के लिए रवाना हो चुका है। और इसी बड़ी खबर में बात करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना देव जुड़ी है। मेघना, जिस कवायद के साथ ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया गया था, कम से कम हम ये तो मान सकते हैं कि 2300 भारतीयों को सुरक्षित सकुशल भारत वापस लाया गया है, लेकिन राह अभी भी मुश्किल है। अभी कितने ऐसे भारतीय है जो वहां पर हैं और आगे अब इस मिशन को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है? देखिए आंचल, 2300 जो भारतीय जिनकी बात की जा रही है कि उन्हें भारत लाया गया है,
वो कल शाम जो C-130J इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट था उसमें जो 40 लोग आए थे उसके बाद ये काउंटिंग 2300 के आसपास पहुंची थी, लेकिन उसके बाद भी जो फ्लाइट्स आई हैं उसमें तकरीबन 150 से 200 लोग कोची पहुंचे हैं, टू बी प्रिसाइज 186 लोग कोची पहुंचे हैं। और अगर हम देखें तो सूडान से जो इवैक्यूएशन हुआ है, जो इवैक्यूएशन भारत ने किया है, सूडान से 3000 भारतीयों को अभी तक बाहर लाया जा चुका है, इवैक्यूएट किया जा चुका है और वो उन्हें जेड्डा ले जाया जा चुका है, और उसके बाद वहां से आउटबाउंड जो फ्लाइट्स चल रही हैं उसके द्वारा उन्हें भारत लाया जाएगा। तो अगर हम कहें तो 3000 भारतीयों को सुरक्षित वहां से रेस्क्यू किया गया है। हम जानते हैं वहां पर लगातार गोलीबारी बमबारी जारी है, जो सीज फायर होना था वो भी वहां पर सीज फायर भी नहीं हो पाया, उसके बावजूद लोगों को जो यहां पर लोग पहुंचने के बाद हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो एम्बेसीज ने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे उसके द्वारा उन्हें पता चला कि कहां जाना है, कहां से कब पोर्ट पहुंचना है, किस तरीके से वहां से इवैक्यूएट होना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो ऑपरेशन कावेरी में खास तौर पर नजर आया। लेकिन अगर हम देखें तो कई अगर हम विमानों की बात करें तो अभी तक जैसे हम जानते हैं कोची में या दिल्ली में या बेंगलुरु में कई जगहों पर जो आउटबाउंड फ्लाइट्स हैं जेड्डा से जो फ्लाइट्स उड़ी हैं तकरीबन 9 फ्लाइट्स से अधिक जेड्डा से अभी तक आ चुकी हैं भारत, जिन्होंने जो इवैक्यूज ऑन बोर्ड है जिन फ्लाइट से वो भारत पहुंचे। तो सूडान में देखिए फ्लाइट है, तो सूडान में भारत का ऑपरेशन कावेरी जारी है। हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 2300 भारतीय सकुशल भारत वापस आ चुके हैं, लेकिन रहा अभी भी मुश्किल है। जिस तरह से हालात वहां पर बने हुए हैं, लगातार प्रयास जारी है हिंसाग्रस्त इलाके से भारतीयों को वापस लाने के लिए, और मेघना मासद बनी हुई हैं। बिल्कुल मेघना, जो तमाम संक्षिप्त में आज जानना चाहेंगे, जो तमाम भारतीय यहाँ पर वापस पहुंच रहे हैं, क्या कुछ हाल वो बता रहे हैं, और अभी भी क्या कुछ कोई अंदाजा है कि कितने भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जो दूरदराज के इलाके हैं जहाँ पर हिंसाग्रस्त, और वहां से जो पोर्ट्स या जो कैंप्स बनाए गए हैं वहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, जितने भी भारतीय यहाँ पर पहुंचे हैं जया, उनका यही कहना है कि वहां पर लूटपाट काफी ज्यादा हो रही है, वहां बाहर निकलने में खतरा है। कई लोगों के पास राशन खाने का खाना या पीने के पानी की भी दिक्कतें थी, उसके बीच लोगों ने ग्रुप्स बनाकर वहां से लोग बाहर निकले हैं, और उसके बाद जैसा 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 इंफॉर्मेशन मिलते गया वैसे वैसे वो उस तरीके से वहां पर पहुंचे हैं जहां से उन्हें इवैक्यूएट किया जा सके। लेकिन यहां पर ये बात बेशक है कि तकरीबन 3000 लोग अगर से इवैक्यूएट हो चुके हैं, तो अंदाजन अगर हम देखें तो 3 से 4 हजार भारतीय, अगर हम अब देखें तो तकरीबन 3.5 से 4 हजार भारतीय ही सूडान में होंगे जैसा अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट नंबर क्या है वो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशन वहां वोलाटाइल है। कई लोगों ने जो नेबरिंग कंट्रीज है उसका भी बॉर्डर क्रॉस कर दिया है, कई लोग यूएन के रेफ्यूजी कैंप्स में है, कई लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो है, कई लोगों ने नेबरिंग कंट्रीज में क्रॉस कर लिया है जैसे इजिप्ट जैसी कंट्रीज। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि भारत के साथ साथ दूसरे कंट्रीज भी इवैक्यूएशन मिशन को, चूंकि वहां पर परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बहुत अहम बात है यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसे भारतीय भी होंगे लगातार, हमेशा एम्बेसी कहती है कि जब आप आते हैं किसी देश तो उनसे कांटेक्ट में रहिए, लेकिन अगर नहीं है तो उनकी भी संख्या वहाँ पर है, जिस तरह से हमें अमृतपाल हमारे संवाददाता बता रहे थे। और हम उम्मीद करते हैं कि ऑपरेशन गंगा के तहत जिस तरह से ऑपरेशन कावेरी भी चलाया जा रहा है, ये जो तमाम भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल और तरीके से भारत लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो युद्ध स्तर पर जारी है ऑपरेशन कावेरी, और एक बेहद दिल छूने वाली कहानियां यहां पर निकल कर आ रही हैं तमाम उन भारतीयों के जरिए जो भारत पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, उनकी खुशी दिखती है जब वो आते हैं, और किस तरह से भारतीय तिरंगे का सम्मान करके वो आभार व्यक्त करते हैं, ये वो खुशी है कि कितने ज़्यादा तकलीफ़ों के साथ जब वो यहाँ पहुँचे हैं और उन्हें सकुशल भारत लेकर आया गया विदेश मंत्रालय द्वारा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी खबरों का दौर जारी है, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना,
बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF प्लस की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व तो और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF प्लस बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF प्लस या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइकलेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोखता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके दो सोखता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। रुक करते हैं अब खबरों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मालदीव की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। राजनाथ सिंह मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रक्षा संबंधों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। रक्षा मंत्री मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह से भी मुलाकात करेंगे। भारत की अपने मित्र देशों और क्षेत्र में भागीदारों के साथ क्षमता निर्माण की प्रतिबद्धता के अनुरूप राजनाथ सिंह मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को एक तीव्र गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट उपहार स्वरूप देंगे। वो वहां चल रही परियोजनाओं के स्थलों पर दौरा करने वाले हैं और भारतवंशियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध और मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। भारत और मालदीव समुद्री सुरक्षा, डकैती, आतंकवाद, कट्टरवाद, तस्करी, संगठित अपराध और प्राकृतिक आपदाओं जैसी एक समान चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में रविवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए। भामरागढ़ तालुका में पुलिस को मिली इस गुप्त सूचना के अनुसार नक्सलियों के मौजूद होने की जानकारी होते ही पुलिसकर्मी नक्सल विरोधी अभियान चला रहे थे कि जंगल में पहले से छिपे नक्सलियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। C-60 दल के जवानों ने भी इसका माकूल जवाब दिया, जिसमें 3 नक्सलियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में एक परमिली दलम कमांडर बिट्टुलू सदस्य वासु और अहेरी दलम सदस्य श्रीकांत शामिल हैं। पुलिस ने मौके से नक्सली सामग्री बरामद की है और तलाशी अभियान जारी है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। हर साल 1 मई को देश दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों और श्रमिकों की उपलब्धियों का सम्मान करना है और उनके द्वारा किए गए योगदान को याद करना। इसके साथ ही मजदूरों के हक और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना
और शोषण को रोकना है। मजदूरों के इस आंदोलन की शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में हुई थी। इस आंदोलन में अमेरिका के मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आ गए थे। दरअसल उस समय मजदूरों से 15-15 घंटे का काम लिया जाता था। इस आंदोलन के 3 साल बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि हर मजदूर से केवल दिन के 8 घंटे ही काम लिया जाएगा। इस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1923 को चेन्नई से हुई। आज महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। 1 मई 1960 को ये दोनों राज्य अस्तित्व में आए थे। भारत के स्वतंत्र होने के समय ये दोनों राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। दरअसल मराठी और गुजराती भाषी लोग अपने लिए अलग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। इसके लिए राज्य भर में आंदोलन भी हो रहे थे। 1 मई 1960 को भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 2 राज्यों में बांट दिया, महाराष्ट्र और गुजरात। देश भर के राज्य अब एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाएंगे। इस दौरान राजभवनों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 63वें महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर आज सुबह मुंबई में हुतात्मा चौक पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बात मौसम की तो मौसम विभाग ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि और वर्षा हुई। वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में और तेज वर्षा होने की संभावना है। देश के किसी भी इलाके में 10 मई तक लू नहीं चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उड़ीसा में थंडर स्टॉर्म काफी एक्टिव है। राजधानी दिल्ली में अप्रैल के महीने में मौसम खुशनुमा रहा है। दिल्ली में बार बार पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होने के कारण सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई। इसके साथ ही औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल में शहर का औसत अधिकतम तापमान 35.32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो वर्ष 2020 के अप्रैल महीने के बराबर है, लेकिन यह वर्ष 2015 के बाद से सबसे कम है। और अब जानिए देश भर से जुड़ी कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी में शनिवार को इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। एनडीआरएफ का बचाव कार्य अभी भी जारी है। दमन के हथियावर इलाके में एक वाहन निर्माण कंपनी में लगी आग। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की करीब 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा में एम्स की निर्माणाधीन इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। महाराष्ट्र में डीमार्ट के पास पुणे सतारा रोड पर 3 अलग अलग दुकानों में आग लगने की घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर। घटना लगभग रात 2:30 बजे की है। आग पर काबू पा लिया गया। एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में उनकी किडनी खराब होने की बात कही गई है। ईडी ने मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। अहमदाबाद की एक अदालत बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामले में सुनवाई करने वाली है, जो अपनी गुजरातियों पर टिप्पणी के लिए मानहानि के आरोपों का सामना कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। हे
हिंसक व सूडान में संघर्ष विराम की अवधि को 72 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। सूडानी सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स संघर्ष विराम बढ़ाने पर हुए सहमत। सेना ने कहा सऊदी अरब और अमेरिका के प्रयासों से संघर्ष विराम बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। सेना ने उम्मीद जताई कि अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स संघर्ष विराम का पालन करेगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज दोहा में अफगानिस्तान पर विभिन्न देशों के विशेष दूतों के साथ बैठक करेंगे। तालिबान प्रशासन को बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया है। इस 2 दिवसीय बैठक का उद्देश्य अफगानिस्तान में स्थिति पर एक टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव को फिर से मजबूत करना है। बैठक में अफगानिस्तान में पैराग्वे के राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ उम्मीदवार सैंटियागो पेना ने बड़ी जीत की हासिल। सैंटियागो पेना ने 42% से ज्यादा वोट किए हासिल। सैंटियागो ने ताइवान संबंधों को बनाए रखने का किया वायदा। चुनाव में 13 उम्मीदवारों ने लिया भाग। मुख्य मुकाबला विपक्षी गठबंधन के मध्य मार्गी उम्मीदवार इफ्रान एलेग्रे और सैंटियागो पेना के बीच था। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन ने बखमुत शहर के कुछ हिस्सों में नियंत्रण का दावा किया है। यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री ने कहा कि बखमुत शहर में भयंकर लड़ाई जारी है। यूक्रेन के सैन्य कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ रूसी रक्षा बलों का मुकाबला कर रहे हैं। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने पश्चिमी बखमुत में 4 ब्लॉकों पर कब्जा करने का दावा किया था। बखमुत शहर से कई लोग बड़ी संख्या में पलायन कर चुके हैं। अमेरिका के टेक्सास में शनिवार को हुई गोलीबारी की घटना में 5 लोगों की मौत हुई है, जिस पर जांच तेज हो गई। टेक्सास में 200 से अधिक कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने घर घर जाकर मामले की छानबीन की। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी की तलाश जारी। अधिकारियों ने आरोपी की पहचान के लिए $80,000 के इनाम की घोषणा की है। अमेरिका के टेक्सास में चक्रवाती तूफान से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। तेज हवाओं के भारी बारिश से ने हजारों घरों की बिजली आपूर्ति ठप कर दी है। प्रशासन ने कहा कि राज्य में 81,000 घरों में बिजली सेवा प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही चक्रवाती तूफान की आशंका जाहिर की थी। अमेरिका के कई शहर पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी और तूफान से प्रभावित रहे हैं। इसराइल में नए न्यायिक सुधार कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। कानून के खिलाफ तेल अवीव सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में मुख्य राजमार्ग तक किया मार्च और इसे अवरुद्ध कर दिया। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की योजना देश की जांच व्यवस्था पर हमला करना है। उनका मानना है कि सरकार के इस कदम से लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। तो जो लोग शेयर बाजार में करते हैं निवेश, उनके लिए खबर बड़ी काम की, क्योंकि आज आप शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएंगे। शेयर को की जो खरीद और बिक्री है वो आज नहीं हो पाएगी। दरअसल महाराष्ट्र दिवस के कारण बीएससी और एनएससी में ट्रेडिंग 1 मई 2023 यानी आज बंद रहेगी। मई के महीने में पड़ने वाली शेयर बाजार की छुट्टियों की सूची के अनुसार मई में सिर्फ 1 दिन बाजार बंद रहेगा और वो दिन आज का। इसके बाद अगला जो छुट्टी होगी वो जून में होगी, बकरीद के उपलक्ष्य में। अनचाहे कॉल मैसेज अब नहीं आएंगे। देश की तीनों प्रमुख नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने स्पैम कॉल रोकने के लिए अपने सिस्टम में फिल्टर लगा दिए हैं। कंपनी का दावा है कि एआई की मदद से स्पैम मैसेज और कॉल्स नेटवर्क पर ही ब्लॉक हो जाएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कंपनियों को 30 अप्रैल की डेडलाइन दी थी। कंपनियों का ट्रायल रन सफल रहा है। सरल शब्दों में कहें तो अब तक हमें कॉल आने के बाद पता चलता था कि ये स्पैम कॉल थी, अब हम उसे ब्लॉक करते थे। अब वे नेटवर्क पर पहले ही ब्लॉक हो जाएगा और कॉल हम तक नहीं पहुंचेगा। और बिल्कुल, और आइए देख लेते हैं खबर खेल जगत से। तो बात करते हैं सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की, जिनकी शीर्ष भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के तेओ ईयी और ओग युव सिन की जोड़ी को 16-21, 21-17, 21-19 से हराया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में किसी भारतीय पुरुष
युगल जोड़ी का ये पहला स्मरण है। इससे पहले 1971 में दीपू घोष और अमन घोष की भारतीय जोड़ी अंतिम बार इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक पहुंच पाई थी। वहीं साल 1965 में दिनेश खन्ना के सिंगल्स में जीत के बाद ये जोड़ी पहली भारतीय जोड़ी बन गई जिन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इतिहास रच दिया है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रविवार को खेले गए फाइनल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के तेओ ई यी और ओंग यू सिन की 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराया। फाइनल में हुए रोमांचक मुकाबले का पहला गेम 21-16 से मलेशियाई जोड़ी के नाम रहा। हालांकि दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने वापसी की और दूसरा गेम 21-17 से जीता। तीसरे और निर्णायक गेम में भारतीय जोड़ी ने 21-19 से बाजी मारी और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। चिराग और सात्विक की जोड़ी इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली पुरुष युगल जोड़ी बनी थी। पिछले 52 साल में यह पहला अवसर रहा जब किसी भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने प्रतियोगिता में पदक जीता है। इससे पहले साल 1971 में दीपू घोष और रमन घोष की भारतीय जोड़ी अंतिम बार इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक ही पहुंच सकी थी। वहीं साल 1965 में दिनेश खन्ना के सिंगल्स में जीत के बाद ये जोड़ी पहली भारतीय जोड़ी बन गई जिन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इस प्रतियोगिता में सात्विक और चिराग का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने राउंड ऑफ 32 के अपने पहले मैच में मलेशिया के टैंग कियांग मैंग और टैन वी क्योंग को 21-14, 21-17 से हराया। इसके बाद राउंड ऑफ 16 में उन्होंने दक्षिण कोरिया के जीन योंग और ना संग सेउंग को 21-13, 21-11 से शिकस्त दी। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंद्रा सेतियवान की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को 21-11, 21-12 से मात दी। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी को चीनी ताइपे की जोड़ी के खिलाफ वॉकओवर मिला और भारतीय जोड़ी ने खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। पिछले कुछ समय से सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इसी साल स्विस ओपन सुपर सीरीज 300 टूर्नामेंट में मेंस डबल का खिताब अपने नाम कर इतिहास रचा। तो वहीं अक्टूबर 2022 में ही इस जोड़ी ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 खिताब अपने नाम किया और इस खिताब को जीतने वाली दूसरी भारतीय जोड़ी बनी। वहीं पिछले साल ही ये जोड़ी इंडियन ओपन सुपर 500 खिताब अपने नाम करने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। सात्विक और चिराग की जोड़ी कॉमनवेल्थ खेलों में पुरुष युगल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनी। इतना ही नहीं, इस जोड़ी ने प्रतिष्ठित थॉमस कप का खिताब भी अपने नाम किया। विश्व चैंपियनशिप में भी जोड़ी ने इतिहास रचा और पुरुष युगल वर्ग में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साईराज और चिराग शेट्टी की जीत पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रचने वाले सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी पर गर्व है। उन्हें बधाई और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता नारायण जुड़े। नारायण, हर भारतीय के लिए ये पल गौरव का है। जिस तरह से बैडमिंटन में जब हम पुरुषों के इस जोड़ी की बात करते हैं, हालांकि कई खिताब इन्होंने अपने नाम किया, लेकिन स्वर्ण पदक अपने नाम करना इतिहास रचने के साथ साथ एक अनूठा अनुभव। जी बिल्कुल, एक ऐतिहासिक क्षण है अगर देखें भारतीय बैडमिंटन के लिए, क्योंकि अगर पिछले कुछ सालों में देखें कि जिस तरह से बैडमिंटन में भारत ने एक प्रगति की है, विश्व मानचित्र पर अपना परचम लहराया है, वो काबिले तारीफ है। और इस ये जीत अपने आप में एक खास है, क्योंकि 58 साल के बाद ये सूखा टूटा है। इससे पहले अगर देखेंगे तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन में कई बार भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक दिलाए हैं। और इससे पहले अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1971 में दीपू घोष और रमन घोष द्वारा कांस्य पदक के रूप में था, लेकिन गोल्ड मेडल जीतना किसी भी टूर्नामेंट में, जैसे कि एशियाई चैंपियनशिप हो, उसमें अपने आप में एक बड़ी बात है।
बिल्कुल, तो यहाँ पर एक इतिहास रचा है मेंस डबल में इस शानदार जीत के साथ। नारायण, यहाँ पर मैच के बारे में बात करना चाहेंगे। बेहद रोमांचक मैच था, जीत आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे खिलाड़ियों का जज्बा था या फिर एक एक बहुत ही खूबसूरत खेल उन्होंने दिखाया। क्या आपको लगता है हाई पॉइंट्स थे इस मैच के? जी बिल्कुल, अगर मैच देखें तो बहुत ही रोमांचक था यह मैच। जिस तरह से एक मैच में कभी दूसरे के भारतीय खिलाड़ियों के पक्ष में हो रहा था, कभी विरोधियों के पक्ष में हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद मुश्किलेगा। जिस तरह से वो पहला गेम हारे 21-16 से, फिर दूसरे गेम में वापसी की और डिसाइडर में गया, वहां भी एकदम पूरा एकदम टॉप थ्रिलिंग बैटल चल रहा था, और फाइनली उन्होंने जो तीसरा गेम था 21-19 से जीता। और बात करें तो इन दोनों खिलाड़ियों की, कहीं ना कहीं एक जो उनमें एक जो बड़े टूर्नामेंट में एक धैर्य और टेम्परामेंट रखने की बात होती है, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि अगर इस तरह के टूर्नामेंट में देखिए, प्रेशर बहुत होता है खिलाड़ी पर, उसको झेलना और उस प्रेशर के अंडर खेलना, और जिस तरह से पहला गेम हारने के बाद जो बाउंस बैक किया, वो काफी काबिल तारीफ है। और हो ना हो, जिस तरह से इनका पिछला अगर प्रदर्शन देखेंगे दोनों खिलाड़ियों का, तो वो भी काबिल तारीफ है। एशियाई चैंपियनशिप के अलावा उन्होंने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड जीता है, और BWF वर्ल्ड टूर जो कि उसमें भी इन्होंने मेडल जीता है। तो कुल मिलाकर अगर देखिए तो भारतीय बैडमिंटन जो है, एक जो उसका ग्राफ है ऊपर ही जा रहा है। और मैंने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड जीतने पर कीर्तिमान रचा था इन दोनों ही खिलाड़ियों ने। अगर एक टीम के तौर पर देखें, दोनों का खेल लगातार बेहतर हुआ, और खास तौर पर हमने देखा है जब भी हम डबल्स की बात करते हैं, ऐसे में दोनों का कोऑर्डिनेशन, खेल के प्रतिस्पर्धा, कंपेटिटिवनेस का होना बेहद जरूरी है, जो लगातार इस जोड़ी में हमने कई सालों से देखा। जी बिल्कुल, एक जो अगर डबल्स की बात करें तो दोनों खिलाड़ियों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिंगल्स में तो आप अकेले खेलते हैं, डबल में दोनों खिलाड़ी किस तरह से एक दूसरे के गेम को समझते हैं, किस तरह से वो खेलते हैं, किस तरह से कौन सा शॉट कौन खेलेगा, कहां पर किसकी पोजिशनिंग क्या होगी, तो कोऑर्डिनेशन का पूरा खेल है। और ये दिखाता है कि कितना बेहतरीन तालमेल है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी में। तो कुल मिलाकर एक जिस तरह से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों की बात करें तो उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं जिसमें उन्होंने मेडल नहीं जीते हैं। पीवी सिंधु को ले लीजिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक्स, साइना नेहवाल, तो वैसे ही अब इस बार देखिए जिस तरह से इन्होंने हाल फिलहाल में भारतीय बैडमिंटन का प्रदर्शन रहा है, तो कोई शक नहीं है कि पेरिस ओलंपिक्स में एक मेडल के दावेदार हैं डबल। और हमने देखा कि फ्रेंच ओपन में भी जो 39 साल का कहीं ना कहीं सूखा था, उसे खत्म करने में भी इस जोड़ी ने बड़ा योगदान दिया था, और लगातार बेहतरीन ऐसे टूर्नामेंट्स है जहां पर आगे भी मेडल्स की उम्मीद रहेगी इन दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ियों से। बहुत बहुत शुक्रिया नारायण इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो हम सबके लिए, खासतौर पर अगर जो लोग बैडमिंटन, खासतौर पर अपने बच्चों को बैडमिंटन में डालना चाहते हैं, तो इनकी जीवनियां दिखाइए, इनके बारे में बताइए अपने बच्चों को, ताकि वो इस खेल के प्रति और जागरूक हों। बिल्कुल, इस सीजन का इनका दूसरा खिताब है इस जोड़ी का, और बहुत ही शानदार मैच रहा ये जो इनका मेडल का मैच था। जबरदस्त धैर्य और जो जारूपन हमने देखा है इस जोड़ी का बैडमिंटन कोर्ट पर, उम्मीद करते हैं यही अपने जो इनका फॉर्म है वो जारी रहे। और अब आगे देखते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई कुछ अन्य खबरें स्पोर्ट्स रैप के जरिए। भारतीय मुक्केबाज पुरुषों के विश्व चैंपियनशिप में अपनी चुनौती पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ताशकंद में चल रहे प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय मुक्केबाज मोहम्मद हसामुद्दीन, वरिंदर सिंह, आशीष चौधरी और हर्ष चौधरी रिंग में नजर आएंगे। आशीष चौधरी टीम के अनुभवी खिलाड़ी हैं, वहीं हसामुद्दीन 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता हैं, जबकि आशीष एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता हैं। आशीष ने टोक्यो ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व किया था, वे दूसरी बार इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और अपने नाम एक बड़ा पदक जोड़ना चाहेंगे। मिश्र के काहिरा में चल रहे ISSF विश्व कप शॉटगन के स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के मिराज खान और गनेमत शेखों की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक मैच में मैक्सिकन जोड़ी को 6-0 से हराया। IPL में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगी। RCB के गेंदबाजों के सामने लखनऊ के बल्लेबाजों को रोकने का मुश्किल चैलेंज होगा। लखनऊ को पिछले मुकाबले में पंजाब के खिलाफ जीत मिली थी, वहीं RCB को KKR के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज लखनऊ की टीम ने मौजूदा सीजन में अब तक 8 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 5 मुकाबलों में जीत मिली है जबकि 3 गंवाए हैं।
वहीं आरसीबी को इस सीजन में 4 मैचों में जीत और 4 में हार का सामना करना पड़ा है और ये टीम अंक तालिका में 6 नंबर पर स्थित है। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 212 रन बनाए थे। इसके जवाब में मुंबई ने 19.3 ओवर में 214 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मुंबई के लिए टीम डेविड ने 20वें ओवर की 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर मैच खत्म किया। राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल की 124 रन की पारी बेकार गई। वहीं मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव ने 55 रन बनाए। उनके अलावा टीम डेविड ने 45 और कैमरॉन ग्रीन ने 44 रन बनाए। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स ने चेन्नई को उसके घर में 4 विकेट से हरा दिया। इस मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 200 रन बनाए थे। इसके जवाब में पंजाब किंग्स ने 6 विकेट खोकर आखिरी गेंद में लक्ष्य को हासिल कर लिया और टूर्नामेंट में अपनी 5वीं जीत हासिल की। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की इस टूर्नामेंट में ये चौथी हार है। इस मैच में चेन्नई के लिए ड्वेन कॉनवे ने नाबाद 92 रन बनाए। पंजाब के लिए प्रभसिमरन ने 42 और लिविंगस्टोन ने 40 रन बनाए। चेन्नई के तुषार देशपांडे ने 3 और जडेजा ने 2 विकेट लिए लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। स्पोर्ट्स डेस्क डीडी न्यूज। और आइए देखते हैं खबरें सिने जगत से। उमाई रत्नम की पोनियन सेल्वन 2 दर्शकों के प्यार के साथ बॉक्स ऑफिस पर जमकर तारीफ बटोर रही है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ के पार हो गया। सतीश कौशिक की फिल्म मिर्ग रिलीज के लिए है तैयार। तरुण शर्मा द्वारा निर्देशित मिर्ग सतीश कौशिक की आखिरी फीचर फिल्मों में से एक है जिसमें राज बब्बर, अनूप सोनी और श्वेताब सिंह अहम भूमिका में है। विद्युत जामवाल की स्पाई थ्रिलर IB71 का नया प्रोमो हुआ रिलीज। फिल्म 12 मई को होगी रिलीज। IB71 से अभिनेता विद्युत जामवाल फिल्म निर्माण में नई पारी की कर रहे हैं शुरुआत। फिल्म में जामवाल के साथ अनुपम खेर, विशाल जेठवा प्रमुख भूमिका में, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संकल्प रेड्डी हैं फिल्म के निर्देशक। प्रभास, कृति सनम स्टारर आदि पुरुष की नई झलक रिलीज की गई। सीता नवमी के शुभ अवसर पर टीम आदि पुरुष ने मोशन पोस्टर लॉन्च किया है। फिल्म काफी चर्चा में है। फिल्म का निर्देशन ओम राउत ने किया है। इंद्रनील सेन गुप्ता आजम का मोशन पोस्टर लॉन्च। फिल्म 19 मई को रिलीज के लिए तैयार। इंद्रनील सेन गुप्ता DCP जोशी के रूप में सप्ताह विश्वासघात और साजिश की इस कहानी में आएंगे नजर। श्रवण तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म में जिमी शेरगिल और अभिमन्यु सिंह अहम भूमिका में। और अब बात एक खूबसूरत पहल की। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों की खड़ी ढलानें पर्यटकों को खूब लुभाती हैं। मॉनसून के मौसम में कोहरे से ढकी पहाड़ियों और घाटों की सुंदर छटाएं यहां से गुजरने वाले हर शख्स के जहन में हमेशा के लिए बस जाती हैं। लेकिन जिन खूबसूरत ढलानों वाली पहाड़ियों के आप दीवाने हैं वे यहां रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कितना मुश्किल बना देती हैं ये उनके अलावा कोई नहीं जानता, खासकर तब जब कोई इमरजेंसी हो। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटियों की लंबाई लगभग 2636 मीटर है। पश्चिमी घाट की ये खूबसूरत पहाड़ियाँ अक्सर मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाने या फिर समय पर प्राथमिक सेवाओं तक नहीं पहुंच पाने का कारण बनती है। इमरजेंसी की स्थिति में तो ये जिंदगी और मौत का सबब तक बन जाती है। ये है कन्नूर की राधिका शास्त्री, जिन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों की इस परेशानी को काफी नजदीक से जाना और समझा और फिर एक दिन स्थिति को थोड़ा बेहतर बनाने का फैसला लिया। दरअसल राधिका कन्नूर में डीम नाम का एक कैफे चलाती हैं। मई 2021 में जब पूरे देश में कोविड-19 के मामलों में अचानक से तेजी आई, नीलगिरी भी इससे अछूता नहीं था। यहाँ भी कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। उन कुछ दिनों में एम्बुलेंस के लिए इंतजार बहुत लंबा हो गया था। इलाके में आना जाना आसान नहीं था। जब राधिका को इस वास्तविकता का एहसास हुआ तो उन्होंने अपना सारा समय बदलाव में लगा दिया और तब उन्हें एक आइडिया आया। काफी रिसर्च के बाद राधिका ने
एम्बुलेंस तैयार करने वाले मैन्युफैक्चरर से संपर्क साधा और बताया कि उन्हें एम्बुलेंस में क्या क्या चाहिए और फिर नीलगिरी के लिए एक मॉडल डिजाइन करने को कहा। हालांकि इसकी अपनी चुनौतियां थी और फिर ऐसे तैयार हुई एम्बुरेक्स। एम्बुलेंस के लिए एक छोटा शब्द एम्बू और आर एक्स मेडिकल से जुड़ा एक सांकेतिक शब्द है। I found that there was one gentleman who had actually tried making a three-wheeler ambulance. I did get in touch with Mr. Tanka, who lives in Jabalpur, and got some inputs from him. I spoke to local auto rickshaw fellows here in Kunur and took their advice on what kind of an auto would work in the hills. I took auto rides with them and assessed the need, and through funding from my restaurant and cafe clients, I managed to put out 7 specially fabricated auto rickshaw ambulances for the hills. राधिका द्वारा डिजाइन किया गया ये एम्बुलेंस डीजल से चलता है। इसमें 470 सीसी बजाज ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल किया गया है। उपकरण रखने और लोगों के बैठने के लिए इसके पिछले हिस्से को बड़ा बनाया गया है। इसमें मरीज के लिए एक स्ट्रेचर, अटेंडेंट के लिए 2 सीट, एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक फर्स्ट एड किट की भी सुविधा है। मरीज को झटके ना लगे इसके लिए स्ट्रेचर में सीट बेल्ट भी लगाई गई है। ड्राइवर की सीट को पार्टीशन कर अलग किया गया है ताकि मरीजों को लाने ले जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये एम्बुलेंस अभी तक हजारों ट्रिप्स कर चुकी है और लगातार लोगों की जान बचाने और उनकी सेहत से जुड़ी रोजाना की दिक्कतों को दूर करने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल, अगर आपने ठान ली है तो आप कुछ भी बदलाव ला सकते हैं और ये एम्बुलेंस वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला रही है। बिल्कुल, चिकित्सा क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी कदम। और जब बात चिकित्सा की हो रही है तो आइए बात कर लेते हैं सेहत से जुड़ी हुई। शिशु के स्वस्थ जीवन के लिए देखभाल की शुरुआत गर्भावस्था के समय से ही हो जानी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं। मां बनना किसी भी महिला के लिए बेहद सुखद अनुभव होता है। गर्भावस्था मां और गर्भस्थ शिशु के लिए संवेदनशील समय है। इस दौरान सही देखभाल और तैयारी की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था की तैयारी गर्भधारण से पूर्व ही शुरू कर देनी चाहिए। जब एक दंपति डिसाइड करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी करनी है तो सबसे पहले आप अपने एक विशेषज्ञ से मिलिए। उनके द्वारा एक वो हिस्ट्री लेंगे डिटेल कि आपके परिवार में कोई संभावित अनुवांशिक बीमारी है या नहीं है। वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, जैसे कि हीमोग्लोबिन आपको करना चाहिए, एक ब्लड शुगर करना चाहिए, एक थायराइड करना चाहिए। ये सब टेस्ट हैं जो एक बेसिक टेस्ट करने चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक है। दूसरी चीज़ है कि आपको फोलिक एसिड ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी जो विकृतियाँ होती हैं बच्चों में वो प्रिवेंट हो जाती हैं। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मदर को पहले से कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या कोई मिर्गी की बीमारी है, या वो कोई दिल की बीमारी है जिसके लिए वो कोई दवाई खा रही है, इतना ध्यान रखना है कि कोई भी दवाई जो माँ लेती है वो आवलनाल के थ्रू बच्चे में जा सकता है, बच्चे में विकृतियाँ हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको वो दवाइयों का जाँच जो है आप पहले अपने डॉक्टर से कराइए, उसके बाद प्रेगनेंसी करिए। गर्भावस्था की सही से तैयारी करना आवश्यक है जिससे माँ और शिशु का स्वास्थ्य ठीक रहे और आप एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। गर्भावस्था में जरूरी है सही परामर्श लेना, पौष्टिक आहार का सेवन करना, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच करवाना, निगरानी रखना और गर्भावस्था में सही देखभाल करना। एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है तो इतना ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शुरू के 3 से 5 महीने बहुत ही क्रूशियल है। आप 3 महीने पे एक अल्ट्रासाउंड कराइए और एक ब्लड टेस्ट कराइए। उससे बहुत कुछ बच्चे की कुछ ऐसी जो बिल्कुल जिसमें बच्चा बचने की उम्मीद नहीं होती, जिसको हम कहते हैं सर ही नहीं बना, बच्चे का सर ही नहीं बनता, जिसको हम एनेनकेफली बोलते हैं, वो बिल्कुल डिटेक्ट हो जाता है।
शुरू के 3 महीने में। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ना दिल की बीमारी, ये सारी चीज़ें भी आपको 5वें महीने तक पता चल जाती हैं। तो एक अल्ट्रासाउंड कराइए 3 महीने पे, एक ब्लड टेस्ट कराइए 3 महीने पे, जिसको हम डुअल स्क्रीन बोलते हैं। उसके बाद आप 5वें महीने पे एक और अल्ट्रासाउंड कराइए। अगर आप ये 3 स्टेप लेते हैं तो बहुत हद तक आपको बहुत सारी बीमारियों का पता चल जाता है, बच्चे में अफेक्शन का पता चल जाता है। टेटनस का टीका जो है ये सभी को लगाना चाहिए। दूसरी बात होती है कि अगर आप प्रेगनेंसी से पहले डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो एक रूबेला का टीका लगा सकते हैं। टीका लगाने के 1 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए। एक टीडैप वैक्सीनेशन देते हैं, टेटनस डिप्थीरिया ए सेलुलर पर्ट्यूसिस, जो कि बच्चे को भी फायदा करता है। यदि आप गर्भधारण करने का सोच रही हैं, तो एक विशेषज्ञ से परामर्श लें, साथ ही ये जान लें कि कौन सी सावधानियों का पालन करके आप गर्भावस्था में स्वस्थ रह सकती हैं। गर्भावस्था में अपनी सही देखभाल करें जिससे आप और आपका शिशु स्वस्थ रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो रखिए अपनी सेहत का ख्याल और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। नजर डालते हैं विभिन्न शहरों के तापमान पर। नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको छोड़ जाते हैं कुछ खास झलकियों के साथ। बिल्कुल, चीन के चोंगकिंग चिड़ियाघर में पांडा के मनोरंजक दृश्यों के साथ, जहां पांडा कुर्सियों पर बैठकर जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। आप इन दृश्यों का उठाइए आनंद, हमें दीजिए इजाजत, कल होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार। नमस्कार।抢了吃，要开闪光灯。拿手机拍。哎呀！Hello。